हाँ यस यस सर। सर। अब माइक बंद की, मुकेश यादव माइक बंद कीजिए, मुकेश यादव जी सर। माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। ये टारगेट होता है, और जो स्पोर्ट्समैन या जो शूटर होता है उसको क्या करना होता है, इस टारगेट के एकदम बीचों बीच जो है निशाना लगाना होता है, ठीक है। अब अगर तुम्हारा, अब ये निशाना चूकने के कई सारे कारण हो सकते हैं, एक तो तुम्हारा ध्यान ना हो टारगेट में, तुम्हारा ध्यान कहीं और है तो निशाना चूकेगा, ठीक है, ये पहला कारण है। एक है तुमको निशाना लगाना आता ही नहीं, तुम्हारे तुम जो है तुमको ठीक से पता नहीं है कि कैसे जो फायर करने पे निशाना जाएगा, टारगेट लगेगा, ये एक कारण है। तीसरा कारण ये है कि तुम्हारे बंदूक का जो साइट है, साइट माने समझते हो, SIGHT साइट, गन देखा है कहीं? गन तो देखे ही होगे तुम लोग, कहीं ना हो तो पुलिस वाले के पास भी देखा है। तो गन के जो जो बैरल होता है, जो नली होता है, उसके ऊपर एक लगा होता है लंबा सा, रुको दिखाते हैं, उसको साइट बोलते हैं, साइट ऑफ ए गन, सर नुकीला सा होता है। हाँ, तो उसको जो है साइट बोलते हैं, इस तरह का होता है। अब ये जो है ये फोटो हम दे के हटा देंगे, नहीं तो कोई सोचेगा कि किस तरह क्या पढ़ा रहा है पता नहीं। ये एक सेकेंड, हमको एक क्लियर इमेज लेने दो, एक मिनट रुको। अभी कोई व्हाट्सएप नहीं भाई, अभी हम क्लास ले रहे हैं। ये जो है ये तुम्हारे गन का साइट होता है, ये यहाँ पर जहां से देखते हैं इसको दिखाई दे रहा है। हेलो, यस सर। यस सर। अब अगर ये गड़बड़ हो, मान लो तुमने जो गन लिया है इसका ये साइट जो है टेढ़ा है, तुम्हें पता नहीं, तो तुम्हारा निशाना कभी नहीं लगेगा, तुम कभी उस टारगेट को नहीं भेज पाओगे। तो ये कुछ कारण है, अब इनका साइंटिफिक टर्म्स में मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी का जो मतलब होता है, अनिश्चितता का मतलब होता है कि हमारा जो रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, हमने जो कैलकुलेशन किया या हमने जो कुछ भी मापा है, अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इज द डेविएशन, डेविएशन माने भटक जाना, डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट से जो हम भटक जाते हैं या अपने लक्ष्य से जो हम लोग हट जाते हैं, इसी को अनसर्टेनिटी कहते हैं, इसी को कॉमन लैंग्वेज में एरर कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। तुम लोगों को कहा जाता है कि भाई पढ़ाई लिखाई जो है ध्यान से करो, अभी तुम्हारे तुमको करियर बनाने का समय है। इस समय में दो कारण हो सकते हैं तुम्हारे भटकने का, एक तो है कि तुम्हारे ध्यान पढ़ाई लिखाई से हटकर या अपने जो अपना जो काम है उससे हटके कहीं और लग गया हो, दूसरा है जो तुम पढ़ रहे हो सीख रहे हो वही गलत सीख रहे हो, तो दोनों केसेस में तुम भटकोगे, ठीक है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण से हमारे रिजल्ट में अनसर्टेनिटी आता है, अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट कैन अराइज ड्यू टू मेनी रीजंस और फैक्टर्स। ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है? यस सर। इन फैक्टर्स की अगर हम बात करें, इनको अब तुमको साइंटिफिकली चीजों को समझना है। पहला है रैंडम एरर्स, रैंडम माने समझते हो? नो सर। अनसर्टेन। यस सर। अनसर्टेन तो है ही, रैंडम मतलब होता है जिसका कुछ फिक्स्ड, जिसका मामला कुछ फिक्स नहीं है, कोई आदमी रैंडम क्या, हाँ टेढ़ा मेढ़ा भी कह सकते हैं। रैंडम का मतलब है कि वो जो है उसका मामला फिक्स नहीं, वो कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है नहीं मालूम। जैसे अभी हमने तुमको कुछ एग्जांपल्स दिए कि तुम दरवाजे का हाइट माप रहे हो, उस हाइट को मापते समय मौसम ऐसा है कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा है वो फूल गया, या इतनी ज्यादा गर्मी है टेढ़ा हो गया,
अब इस पे तुम्हारा हाथ नहीं है, तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो, ये एक तरह का रैंडम एरर होता है। जो आदमी टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है उसको मान लो वहां पे एयर है बहुत ज्यादा, तो उसको जो है एक करेक्शन करना होता है फॉर विंड वेलोसिटी। अगर वो नहीं किया हुआ है तो उसमें गन से जो बुलेट फायर हुआ दैट इज अफेक्टेड बाय द विंड, ये होता है प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी होता है। तो अब हवा को तो भाई तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये कुछ एरर्स होते हैं दैट ऑकर रैंडमली, इनका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है। दीज फैक्टर्स कॉज द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट टू डेविएट, अब लिख लेने दो फिर लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, टू डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू इन एनी डायरेक्शन। ये जो है एनी डायरेक्शन का मतलब है, एनी डायरेक्शन का मतलब हम बता रहे हैं क्या है, एनी डायरेक्शन का मतलब है कि तुमने जो रिजल्ट पाया वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है, एक्चुअल वैल्यू से कम भी हो सकता है, इसीलिए इसको रैंडम बोलते हैं। समझ में आया? जी सर। तुमने जो गन फायर किया, बुलेट फायर किया, रैंडम एरर जो है या रैंडम फैक्टर जो है तुम्हारा जो गन शॉट है, जो बुलेट है या प्रोजेक्टाइल है, उसको टारगेट से दाहिने भी ले जा सकता है, बाएं भी ले जा सकता है, ऊपर भी ले जा सकता है, नीचे भी ले जा सकता है, इसीलिए इसको रैंडम बोलते हैं। ड्यू टू लैंग्वेज समझ में आया जो यहाँ पे लिखे हैं रैंडम एरर्स में? हेलो जी सर। लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो बताना। यस सर। ठीक है। ड्यू टू दीज फैक्टर्स द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट मे बी लार्जर और स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है। सिंस दीज फैक्टर्स can cause deviation in any direction, so they are called random factors। इसीलिए इसको हम लोग random factors बोलते हैं, ये randomly चलते हैं, इनका कोई जो है fixed direction नहीं होता। अब जो है ये random factor है, ठीक है, तुम्हारा गन सही है, तुमको टारगेट लगाने आता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, इसमें एक और फैक्टर आता है, ये बहुत रेलिवेंट एग्जांपल है इसलिए हम लेके चल रहे हैं इसको, नहीं तो कोई देखेगा तो बोलेगा ये गन का ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसा नहीं, ये बहुत रेलिवेंट एग्जांपल है। जो लोग शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं उनका जो है एक बहुत फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है, उनका जो ब्रीदिंग है, जो सांस लेने का प्रक्रिया है, वो स्टेडी होना चाहिए। सुना है ऐसा कभी? हेलो। यस सर। कहाँ सुना? यस सर। कहाँ सुना है वो बताओ। पुनीत यादव कैमरा भी बंद करो। नो सर, नहीं सुने हैं। ऐसा है कि जो मिलिट्री में जो ट्रेनिंग देते हैं या ट्रेनिंग होती है जहां पे शूटिंग की ट्रेनिंग होती है, उसमें एक रिक्वायरमेंट उसका होता है जो सोल्जर है जिसकी ट्रेनिंग हो रही है कि उसका ब्रीदिंग जो है वो स्टेडी हो। स्टेडी मतलब वो जो है बहुत तेज एबनॉर्मल ब्रीद ना करे। स्टेडी माने समझते हो, स्टेडी स्टेट पढ़े हो कि नहीं 11th में 12th में? स्थिर होता है सर, स्टेडी एकदम स्थिर नहीं। सांस लेना एकदम स्थिर हो गया तो मतलब तो निपट लिया, स्थिर नहीं मतलब बहुत तेजी से सांस ना ले, जिसको हांफना कहते हैं।
वो एकदम बैलेंस तरीके से सांस ले, कहने का सेंस ये है कि वो उसके सांस लेने के कारण उसका हाथ का बैलेंस ना बिगड़े। कुछ लोगों का होता है बहुत तेज तेज सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, अब इस पे तो कंट्रोल है नहीं। अब या तो तुम जो है उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने का भी क्या सेंस है हम बताएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फैक्टर है, ये एक रैंडम फैक्टर, इस पे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मान लो तुम गन लिए हुए हो, शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, और तुम्हारी सांसें जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो तेज चल रहा है, तब तुम्हारा जो प्रोजेक्टाइल है, जो शॉट फायर किया, इट कैन डेविएट द टारगेट, इट कैन मिस द टारगेट, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, ऊपर नीचे जाने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो दिस इज अ रैंडम फैक्टर, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। समझ में आया है? तो यस सर। इसी तरह के फैक्टर्स को जी रैंडम सर। फैक्टर्स बोलते हैं। अब जरा लैब में आ जाते हैं, बंदूक पिस्तौल छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर मेजरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम को जो है तुमने लटका दिया और उसको जो है थोड़ा सा ऑसिलेट कराया, उसका टाइम पीरियड निकाल रहे हो, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है? व्हाट इज टाइम पीरियड? बीच का अंतराल, टाइम में एक ऑसिलेशन पूरा हो जाए। क्या? एक ऑसिलेशन को पूरा करने में कितना समय लगता है? ये चक्कर लगाने में जितना समय लगे उसे सर टाइम पीरियड कहते हैं। उसको टाइम पीरियड कहते हैं। अब मान लो ये तुम टाइम पीरियड निकाल रहे हो, तो तुमको क्या करना है, घड़ी भी देखना है, तुमको गिनना भी है नंबर ऑफ, या तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है कि 20 ऑसिलेशन का तुम ले लो, 20 ऑसिलेशन होने में इतना समय लगा, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा। तुम ऑसिलेशन भी गिन रहे हो, तुम घड़ी भी देख रहे हो, दो दो काम तुम कर रहे हो, तो इसमें गलती होना जो है बहुत स्वाभाविक है, बहुत, इट इज वेरी लाइकली दैट देयर विल बी अ मिस्टेक। और ये मिस्टेक जो है तुम्हारे रिजल्ट को या तो एक्चुअल टाइम पीरियड से ज्यादा कर देगा या तो कम कर देगा। सो दिस इज काइंड ऑफ रैंडम एरर। पेंडुलम वेयर वी हैव टू सी या वी हैव टू काउंट द ऑसिलेशन एंड रिकॉर्ड टाइम, देन द रैंडम एरर इज वेरी यूजुअल। यूजुअल मैंने बहुत स्वाभाविक है ये। इससे जो है तुम्हारा रिजल्ट ये होगा कि तुम्हारा रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये फैक्टर्स जो है रैंडम एरर से, ये तुम्हारे रिजल्ट को, एक्चुअल जो तुम्हारा रिजल्ट है उससे दाहिने बाएं ऊपर नीचे कहीं भी ले जा सकते हैं। और ये इस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। इसको हटाने का उपाय है, हम लोग बताएंगे। ये एक तरह का एरर है। समझ में आया? कुछ पूछना है तो किसी को पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर ये जो नीचे वाली लाइन है, सर ये जो नीचे वाली लाइन आप लिखे फॉर फॉर एग्जांपल से यहाँ पे सर नहीं समझ में, एक बार समझा दीजिए फिर से। यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर किसी टाइम पीरियड, किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड हम माप रहे हैं, पेंडुलम का टाइम पीरियड मापने का मतलब है एक ऑसिलेशन करने में उसको कितना समय लगता है। ध्यान से समझो, एक ऑसिलेशन तुम कैसे डिफाइन करते हो? मीन पोजीशन से जो है दाहिने गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर बाएं गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, ये होता है ना एक ऑसिलेशन। यस सर। जी सर। अब ये ऑसिलेशन तुम देख रहे हो कि मीन पोजीशन से हटा, फिर बीच में आया, फिर उधर गया। कौन है भाई? माई फैमिली। फिर जो है तो तुम ऑसिलेशन भी देख रहे हो, तुमको समय भी देखना है। समय देखने के लिए क्या यूज करोगे? घड़ी यूज करोगे कि नहीं? है? जी सर, घड़ी यूज करेंगे। तो तुम जो है दो यस सर, चीजों को एक साथ करेंगे। ध्यान देना है तुमको, एक घड़ी पे ध्यान देना है, एक ऑसिलेशन पे ध्यान देना है। इस परिस्थिति में तुमको क्या लगता है, गलती नहीं हो सकती होगी सर?
कितना भी आदमी ध्यान दे, कितना भी कंसंट्रेटेड रहे, देयर आर चांसेस ऑफ एरर, और इस पे तुम्हारा यू डोंट हैव कंट्रोल, सो इट इज अ काइंड ऑफ रैंडम एरर. जी सर, यस, ठीक है. इस तरह के कई सारे और एग्जांपल्स हैं. ये रैंडम क्वांटिटी है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम नहीं कंट्रोल कर सकते इसको. द सोर्सेस ऑफ रैंडम एरर्स आर बियॉन्ड, बियॉन्ड माने समझते हो, बियॉन्ड, बियॉन्ड माने समझते हो? यस सर. नो सर. बियॉन्ड माने होता है किसी चीज के अतिरिक्त. अरे धीरे बोलो यार, सुनाई देता है हमको, धीरे बोलो. बियॉन्ड मतलब होता है किसी चीज के पार. बियॉन्ड आवर कंट्रोल का मतलब है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तुम चाह के भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. ये तुम्हारे जो कैपेसिटीज है, जो तुम्हारी क्षमता है, उसके परे है, उसके आगे है. अब हवा कहीं पर है, तुम हवा को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना. हेलो. नो सर. नहीं सर. नो सर. इसी को जो है कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो सोर्सेस ऑफ रैंडम एरर होता है, दे आर बियॉन्ड कंट्रोल. ये तुम्हारे हाथ में नहीं होता है. अब कोई तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई मेजरमेंट कर रहे हो, वहां पे टेम्परेचर के कारण कोई चेंज हो गया, बहती हुई हवा के कारण हो गया, तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एक जगह बैठ करके, एकदम शांत जगह बैठ करके, वहां पे तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार का है कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो. अब तुम्हारा कोई उजेड सा दोस्त है, वो धार से दरवाजा खोल के घुस गया. दरवाजा खोलने पे क्या हुआ? दरवाजा खोलने पे जो उस कमरे का जो एयर कॉलम है वो डिस्टर्ब हुआ. एयर कॉलम के कारण तुम्हारा एक्सपेरिमेंट भी जो है डिस्टर्ब हुआ. इस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है. हाँ, वैसे मित्रों से जो है दूर रहना, ये तुम्हारे कंट्रोल में है. ठीक है. तो रैंडम एरर वो होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. अब इसको ट्रीट करने का एक तरीका होता है, तरीके पे हम लोग आएंगे. इसमें दूसरा जो एक एरर का कारण होता है या अनसर्टिनिटी जिसके कारण आ सकता है, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक माने समझते हो? सिस्टम माने समझते हो? सिस्टम सिस्टमेटिक मतलब सर व्यवस्थित तरीका. हाँ, व्यवस्थित या जो एक तरीके से चले. एक सिस्टम जो है कुछ नियमों से चलता है, एक पर्टिकुलर उसका सीक्वेंस होता है. सिस्टमेटिक एरर. माइक बंद करो हरीश मिश्रा, माइक बंद करो. सिस्टमेटिक एरर जो है, सिस्टमेटिक नाम इसलिए है क्योंकि इसका जो व्यवस्था है वही गड़बड़ है. तुम गन शूटिंग कर रहे हो, शूटिंग टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारे गन का साइट गड़बड़ है. उसका मजल जो है, मजल माने समझते हो? बैरल, लंबा वाला सामने जो होता है जिससे बुलेट निकलता है, नली. हाँ, नली, वो टेढ़ा है अंदर से या वो डैमेज्ड है, तो कभी तुम सही टारगेट पे नहीं जा सकते. तुम जो पढ़ रहे हो या सीख रहे हो, गलत ज्ञान ले रहे हो किसी से, कभी भी अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाओगे. थर्मोमीटर खरीद के लाया, थर्मोमीटर जो है वो हमेशा ज्यादा टेम्परेचर मापता है या हमेशा कम मापता है, इसको सिस्टमेटिक एरर कहते हैं. इसको, इसका उपाय एक ही होता है कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को बदल दें. तो सिस्टमेटिक एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोलते हैं. जो ये सिस्टमेटिक एरर होता है आर एसोसिएटेड, तो तुमको समझ में नहीं आएगा. सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज फैक्टर्स दैट आर क्या लिखे यहाँ पे, रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. सिस्टमेटिक इसलिए कहते हैं, सिस्टमेटिक मीन्स दैट इफ द इंस्ट्रूमेंट
जिस इंस्ट्रूमेंट से तुम काम कर रहे हो हैज सम एरर और फॉल्ट, देन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट विल बी deviated from actual value in a specific, specific माने होता है निश्चित, specific direction. अगर तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट में, जिस इंस्ट्रूमेंट को तुम यूज कर रहे हो, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो मेजरिंग टेप हो, चाहे वो कोई थर्मोमीटर हो, गन हो, जो तुम्हारे अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो एक व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हटता जाएगा. मान लो जिस तुम्हारा एक तुम थर्मोमीटर खरीद के लाए, उसमें ये बीमारी है कि वो थर्मोमीटर जो है हमेशा 2 डिग्री बढ़ा हुआ टेम्परेचर दिखाता है. तो तुम जब भी बॉडी टेम्परेचर या कुछ भी मेजरमेंट करोगे, तुम्हारा टेम्परेचर हमेशा 2 डिग्री ज्यादा आएगा. तो क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो एक्चुअल रिजल्ट से हमेशा एक डायरेक्शन में हटता जा रहा है. समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? हेलो. यस सर, ये रैंडम एरर नहीं है, ये सिस्टमिक. ये सिस्टमेटिक तरीके से तुम्हारे रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट से दूर ले जाता है. तुम्हारे पास एक स्केल है, मार्केट में मिलता है, स्केल से लाइन खींच लेते हो, एकदम सस्ता स्केल है, उसमें कोई मतलब नहीं होता उसको कैलिब्रेशन से. अब उस स्केल की बीमारी मान लो ये है, वो हमेशा एक, वो एक्चुअल 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर ना पढ़ करके वो पढ़ता है 1 मीटर को, एक्चुअल 1 मीटर ना पढ़ के वो 90 सेंटीमीटर पढ़ता है. स्केल के ऊपर लिखा हुआ 1 मीटर, लेकिन एक्चुअली जो वो पढ़ेगा 10 सेंटीमीटर कम. तुम्हें पता नहीं है, तुम उस स्केल से जो भी मेजरमेंट करोगे वो 90 सेंटीमीटर होगा. तुम्हें लगेगा 1 सेंटीमीटर, स्केल लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर का, लेकिन वो हमेशा 90 सेंटीमीटर रीड करेगा. 1 मीटर ना, 1 मीटर तुम्हारे स्केल के ऊपर लिखा हुआ, तुम खरीद के ले आए, ठीक है, लेकिन वो स्केल जो है वो बनाने वाले ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, उसमें गलती उससे हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है. वो जिसको 1 सेंटीमीटर पड़ रहा है, दिखा रहा, तुमने स्केल रखा 1 मीटर, हाँ 1 मीटर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो 1 मीटर नहीं है. कोई उसको सही स्केल से जब मेजर कर रहा, देख रहा है कि 1 मीटर नहीं, ये 90 सेंटीमीटर है. तो तुम्हारा जो रिजल्ट है, जो तुम्हारा लेंथ है, वो सिस्टमेटिकली 10 सेंटीमीटर कम होता जा रहा है. अब इससे जितनी भी चीजें तुम मेजर करोगे, वो 10 सेंटीमीटर कम मेजरमेंट किया तुमने. तो ये जो है, दिस इज ए काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, सिस्टमेटिक. क्योंकि ये सिस्टमेटिकली एक व्यवस्थित तरीके से जो रिजल्ट है उसको एक डायरेक्शन में ले जाता, ठीक, दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर. तो सर, तो फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर भी यही है? इसी को इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं. इंस्ट्रूमेंटल एरर के लिए हम लोग लीस्ट काउंट वगैरह सब पढ़ते हैं. तो एक्चुअली लीस्ट काउंट क्यों पढ़ते हैं वो इसी में हम बताएंगे. क्या जरूरत है अचानक लीस्ट काउंट पढ़ लेने की? लीस्ट काउंट निकालो. लीस्ट काउंट जब तुमको बताएंगे हम एक्सपेरिमेंट के बारे में, हर एक एक्सपेरिमेंट में तुम्हारे हर एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होना चाहिए. तो यस सर, ये जो जैसे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, इवन सिंपल स्केल, स्टॉप वॉच, मेजरिंग सिलेंडर, हर चीज, हर उस इंस्ट्रूमेंट का जिससे तुम मेजरमेंट कर रहे हो, इट इज नेसेसरी दैट यू हैव द, क्या बोलते हैं उसको, लीस्ट काउंट. क्यों जरूरी है? तुम पार्ट टू में जाओगे, ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट है, उसमें तो बिना लिस्ट काउंट के तुम्हारा रिजल्ट काट दिया जाएगा. तो इसके बाद जो है, और कुछ बच्चे ज्वाइन हो जाए, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. और ये जो है तुम्हारे लिए समझ लेना बहुत जरूरी है. उसके बाद हम लोग एक एक करके प्रैक्टिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है. आज हम जो है ज्यादा समय लेंगे नहीं. सर है क्या? सर,
सर शायद मीटिंग में। इसके बाद सर भी तुम लोगों को एक बार एड्रेस करेंगे। सर जो आप ये मतलब इसको मतलब लिखना भी है, इसको लिख लें। ये हम जो है देखो यहाँ पर तुम बैठे बैठे लिख नहीं पाओगे, सीधी सी बात। ये जो है पीडीएफ फॉर्म में हम ग्रुप में दे देंगे। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, क्योंकि ये स्क्रीन पर कौन है भाई? आप लोग क्लास ड्यूरिंग द क्लास अपना माइक और कैमरा बंद रखे, जब कुछ बोलना हो तब बोलो, और मेक इट श्योर कि आप ऐसी जगह पर बैठे जहां पर नॉइज कम है। ये हालांकि बहुत हमेशा पॉसिबल नहीं है, हम समझ सकते हैं कि कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट ट्राई टू सिट इन ए सर चले गए सर, अच्छा मीटिंग है सर, तो आप ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर साउंड कम हो, ठीक है, क्योंकि तब तुमको सुनने में आसानी होगी। एक मिनट, हेलो हेलो भाई, ठीक है, तो इसके बाद जो है और भी कुछ बच्चे ज्वाइन हो जाएं, हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दिस एरर, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि तुम जब भी एरर एक्सपेरिमेंट लिखोगे या एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट करोगे, अगर तुम्हारी कॉपी में एरर एनालिसिस नहीं रहता है तो तुम्हारे नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा कृपया ये क्वेश्चन हमसे मत पूछे, ये हमें नहीं मालूम, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, लेकिन इट इज नेसेसरी कि आप एरर एनालिसिस जाने किसी भी एक्सपेरिमेंट। अगर आप एरर एनालिसिस नहीं जानते हैं तो नंबर काटे जाते हैं। ठीक है सर, इसका सिलेबस आप सेंड करेंगे ग्रुप में? हाँ, सिलेबस सेंड करेंगे आप? सिलेबस हम सेंड कर देंगे, सिलेबस के लिए हमने बोला है एक लोगों को, क्योंकि मेरे पास जो अभी का सिलेबस है वो नहीं है, हम शाम तक जो है आपको सिलेबस ग्रुप में हम दे देंगे। ठीक सर, कॉपी के बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ सर, कॉपी के बारे में बता दीजिए कुछ, कॉपी कैसे बनाना है? कॉपी अभी हम नहीं बताएंगे, कॉपी जो है हम एक प्रैक्टिकल डिस्कस कर लेने के बाद तुमको बताएंगे कॉपी कैसे लिखना है, क्योंकि ऑनलाइन सर, सर, हाँ सर, ये जो कोई बुक भेजेंगे इसको किस कॉपी में तुम लिखेंगे? एक एक हाँ बोलो सत्यम पांडे बोलो सर, जो हाँ सर, जैसे जो पीडीएफ आज भेजेंगे इसको किस कॉपी में तुम लिखेंगे? ये पीडीएफ फाइल तुम्हारे पढ़ने के लिए है, इसको नहीं लिखना है। अच्छा अच्छा, तुमको सर कोई बुक सजेस्ट कीजिए, बुक इसमें फिजिक्स की, बुक इसमें लिखा फिजिक्स में कौन सा चैप्टर? प्रैक्टिकल के लिए कौर खरे जैन की बुक है वो ले लेना, नहीं तो हमारे पास एक बुक है, हालांकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, कौर खरे जैन की बुक में तुम्हारे क्लास के सभी प्रैक्टिकल्स होते हैं। सर ये बुक कहीं भी मिल जाएगी ना? हाँ ये मिल जाएगा, ये इलाहाबाद में ही मिलेगा, हर जगह नहीं, जैसे जैसे हम लोग इस टाइम घर पे ना है इसलिए। हाँ घर पे हो तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक किताब है, मेरे कॉपी है, मैंने कॉपी का मतलब है उसी वही किताब है, जो एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे उस एक्सपेरिमेंट का स्नैपशॉट जो है हम ग्रुप में दे देंगे, तो जब तुम भी जब भी कभी तुम जाओगे बाद में ले लेना बुक। और लिखना क्या है, कैसे लिखना है, ये हम अलग से बताएंगे। ठीक है तुमको लिख, ये जो है ये नोट्स हम तुमको दे देंगे, इसमें क्या कहते हैं